नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। आप बिहार के मुजफ्फरपुर से देख रहे हैं कौन बनेगा मुख्यमंत्री कार्यक्रम लाइव। हम बात करेंगे अब उस जंगल राज की, जिसको लेकर ऐसा लग रहा है कि बिहार में सारी चुनावी सरगर्मी उसी के इर्द गिर्द सिमटती जा रही है। तो सवाल ये कि आखिर ये जंगल राज था क्या। हम आपको एक ऐसी कहानी, एक ऐसी गवाही दिखाने जा रहे हैं इस जंगल राज की, जिसमें बीजेपी के एक बड़े नेता को मंच पर गोली मार दी गई थी। जंगल राज का मतलब क्या होता है, इस वीडियो को देखकर आप समझ सकते हैं। ये वीडियो साल 2005 के अक्टूबर का है। बीजेपी के बड़े नेताओं में से एक रविशंकर प्रसाद सासाराम के नोखा में प्रचार करने गए थे। मंच पर चढ़कर उन्हें गोली मार दी गई थी। हमलावर पकड़ा गया था, जिसे लोगों ने पकड़कर खूब पीटा था। तब बिहार में चुनाव हो रहा था। रविशंकर प्रसाद और प्रमोद महाजन बीजेपी के लिए वोट मांगने निकले थे। कानून व्यवस्था की स्थिति बिहार में ये थी कि गोली मारने के लिए गुंडा मंच पर पहुंच गया था। जंगल राज के युवराज से कल जब मोदी ने जंगल राज का जिक्र किया, तब आज रविशंकर प्रसाद ने अपने साथ हुई घटना का जिक्र किया है। ट्विटर पर रविशंकर ने लिखा है कि जंगल राज का आलम यह था कि नोखा में स्वर्गीय प्रमोद महाजन जी और मैं चुनाव प्रचार करने गए थे और जनसभा में मेरे ऊपर गोली चलाई गई। ना पुलिस से कोई आया, ना अस्पताल में इलाज के लिए डॉक्टर मिला। सोचिए आम जनता का क्या हाल होता होगा उस समय। रविशंकर प्रसाद ने जो ट्वीट आज किया है, उसकी पुष्टि करता है एबीपी न्यूज के पास मौजूद उस वक्त का वीडियो। एबीपी न्यूज की लाइब्रेरी में तब का ये वीडियो मौजूद है। तब स्वर्गीय प्रमोद महाजन ने गोलीकांड को लेकर क्या कुछ कहा था, वो आज बिहार के साथ ही देश को देखना चाहिए। मंच के पीछे रवि जी थे, उनको बाएं हाथ में गोली लगी थी। कार्यकर्ताओं ने जो अपने पास रुमाल रहते हैं या जो हम अंगवस्त्रम कहते हैं गले में डालते हैं, बांधना शुरू किया, लेकिन खून बहुत बहने लगा। तो रवि ने मुझे कहा कि प्रमोद जी, मुझे आप पटना तुरंत ले जाइए। लेकिन वो खून इतना तेज़ी से बह रहा था कि मुझे ऐसा लगा कि पटना ले जाने में एक घंटा लगेगा और मैं डॉक्टर हूँ नहीं, तो मुझे वो थोड़ा सा, तो मैंने पूछा, पहले तो हम पटना के लिए बैठ गए, फिर मुझे लगा कि पटना शायद बहुत दूर हो जाएगा। मैंने रामेश्वर को पूछा कि इस गांव में अस्पताल है क्या, कुछ कर सकते। उन्होंने कहा यहाँ तो अच्छा नहीं है, लेकिन 10 मिनट के रास्ते पे सासाराम है। तो हम तुरंत बैठे, हम सासाराम पहुंच गए। रविशंकर प्रसाद आज भी लालू राबड़ी के उस राज को याद करके सिहर उठते हैं। आजकल मेरी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है। हमारे पत्रकार मित्रों को याद होगा 2005 में मुझे गोली लगी थी नोखा में, स्वर्गीय प्रमोद महाजन जी थे। तो पटना में मैं उतरा था तो खून से लथपथ मेरी हेलीकॉप्टर की वो फोटो, दो ऑपरेशन पटना में हुआ, दिल्ली में हुआ। आज मैं याद दिलाना चाहता हूं कि हमला हुआ था नोखा में, प्रमोद महाजन केंद्रीय मंत्री, पार्टी में राष्ट्रीय महामंत्री एमपी, मैं अटल जी की सरकार में मंत्री। 2 महीने तक पुलिस ने हम लोग का स्टेटमेंट तक नहीं लिया, संजय बाबू आपको याद होगा। और जब नीतीश कुमार की सरकार बन गई देवेंद्र जी, तो एक पुलिस का इंस्पेक्टर आया कि साहब ने आपका स्टेटमेंट लेने भेजा है। यह हाल था भारत सरकार के पूर्व मंत्रियों का जो एमपी थे। इसी जंगल राज को बीजेपी और जेडीयू ने बिहार चुनाव में मुद्दा बनाया है। ये वो वक्त था जब बिहार में नरसंहार का दौर चरम पर था। बीजेपी अपने प्रचार में इसी का जिक्र कर रही है। 90 के दशक में बिहार में लालू यादव की सरकार बनी।
जिसके बाद ही वहां अपराध का वो दौर शुरू हुआ जिसका असर गली के गुंडों से लेकर पॉलिटिक्स तक पड़ा। लालू यादव ने अपने जंगल राज में शब्दों की वो डिक्शनरी ही तैयार की थी जिसकी गूंज हर गली और हर मोहल्ले में सुनाई देती, और तब बिहार में पढ़ा जाने लगा था क से क्राइम, और बिहार को कांपने पर जो मजबूर करता था वो था इसी क्राइम से पैदा हुआ ख से खतरा। खतरा इसलिए क्योंकि दिन दहाड़े क्या पता कब किस पर चल जाए ग से गुण। और यहां पे भी एक शादी हुई थी जंगल राज, उस शादी में शोरूम से गाड़ियां लूट ली गई थी क्योंकि वो एक परिवार वंशवाद की उपज के बेटी की शादी थी। क्या बिहारी अस्मिता इस बात को सही समझता है? इसका केवल एक उत्तर है कि नहीं। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि लालू राबड़ी के राज में बिहार बर्बाद हो रहा था। आज भले ही तेजस्वी यादव नौकरी की बात करते हैं, लेकिन इन्हीं के माता पिता के राज में बिहार के लोगों ने डर कर पलायन किया था। काफी लोग लालू राबड़ी राज के 15 साल याद करने लगे हैं, खास तौर से अपराधियों की जो बहुत चलती थी उस समय, जो लोगों को पकड़ के ले जाके बंधक बना के उनसे पैसा वसूलने का खेल चल रहा था, या फिर शहरी संपत्ति कब्जा करने का, गाड़ी कब्जा करने का, ये सब खेल चल रहा था। इसकी याद काफी सारे लोगों को आने लगी है, खास तौर से जो सीनियर है। बाकी मुद्दा अपनी जगह, लेकिन बिहार ने 1990 से 2005 तक का जो राज देखा है उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। कोई लाख दावे कर लेकिन सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता, और सच्चाई यही है कि तेजस्वी के माता पिता का कार्यकाल जंगल राज था। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।